राजनेताओं और राजनीतिक दलों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसको सुनकर आप भी लोटपोट हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्या कुछ कहा है हाई कोर्ट ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। चुनावों में राजनेताओं की तरफ से कई तरीके के लुभावने वादे किए जाते हैं जिनसे जनता को ठगा जा सके और सत्ता को हासिल किया जा सके, लेकिन चुनाव खत्म होते ही राजनेता अपने वादों को भूल जाते हैं और ये ट्रेंड लगभग सभी राजनीतिक दलों का है। हालांकि इन वादों को पूरा करने की गारंटी कोई राजनीतिक दल नहीं लेता है। वहीं इस मामले से जुड़ी एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों पर चुनाव के दौरान जनता से लुभावने वादे करने और बाद में मुकर जाने वाले राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कोई भी अपराध का मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि पार्टियों के चुनावी मैनिफेस्टो में लुभावने वादे कर उसे पूरा न कर सकने के खिलाफ कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, न ही ऐसे वादों से मुकरने पर उनके खिलाफ कोई दंड का प्रावधान है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश पाठक ने ये आदेश निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनाया है। दरअसल 2014 में भाजपा के अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह, अमित शाह और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने राजनेताओं के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंच गया और निचली अदालत के फैसले को चुनौती दे डाली, लेकिन हाईकोर्ट से भी उसे मुंह की ही खानी पड़ी है। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस आदेश में कोई गलती नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना था कि बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र का प्लान नहीं किया, न ही चुनाव में जनता से किए अपने चुनावी वादों को ही पूरा किया। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि इस मामले में लोगों को धोखा देने के लिए मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। वहीं इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व एक्ट के तहत अपने वादों के लिए राजनीतिक दल जिम्मेदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वादों को पूरा न कर पाने के खिलाफ कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। बहरहाल कोर्ट के फैसले से ये तो साफ हो गया है कि कोर्ट भी मानती है कि राजनेता 420 होते हैं और उनके झलावे में फंसना और ना फंसना ये जनता का अपना फैसला होता है, क्योंकि अगर वो अपने वादे पूरे नहीं करेंगे तो उन पर कोई केस दर्ज नहीं होगा। इसीलिए चुनावी वादों के जंजाल में ना फंसें और एक अच्छी पार्टी और राजनेता को अपना प्रतिनिधि चुनें। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।